प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 11 में हम लेखांकन अनुपात के बारे में जानेंगे। लेखांकन अनुपात क्या है, इसके लेखांकन अनुपात क्या कहलाता है? तो लेखांकन अनुपात जो है वित्तीय विवरण के अंतर्गत दो या दो से अधिक मदों के बीच तर्क युद्ध या नियमबद्ध संबंध करने स्थापित किया जाता है, तो वो अनुपात कहलाता है। अर्थात वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो दो वर्षों के समांक हैं उनके बीच में जब हम तर्क के आधार पर और नियमों के आधार पर कोई संबंध कोरिलेशन स्थापित करते हैं वो अनुपात कहलाता है। अनुपात वास्तव में क्या है? एक संख्यात्मक प्रदर्शन है जो दो आपस में संबंधित समांकों के बीच में स्थापित किया जाता है, और ये दोनों समांक जो हैं वित्तीय विवरण से लिए जाते हैं और उनमें संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो कहलाता है लेखांकन अनुपात। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न वर्षों के आंकड़ों और समांकों के आधार पर हम जब विगत दो वर्षों के समांकों को आपस में लेके उनकी तुलना यहाँ पर करते हैं तो वो लेखांकन अनुपात के अंतर्गत आती है। अब यहाँ लेखांकन अनुपात लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा व अन्य लेखांकन विवरणों से लिए गए समांकों के मध्य जो है महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। इसे जो है साधारण अनुपात के रूप में नंबर एक, और नंबर दो प्रतिशत के रूप में, और नंबर तीन दर या समय के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो लेखांकन अनुपात जो है लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठा व अन्य जो लेखांकन विवरण है उनसे लिए गए समांकों के आधार पर जो है महत्वपूर्ण संबंध जो है उन समांकों के बीच में स्थापित किए जाते हैं। और ये जो है साधारण अनुपात के रूप में हम लेखांकन अनुपात कर सकते हैं, प्रतिशत के रूप में, या दर या समय के रूप में। तो ये लेखांकन अनुपात क्या है ये हमने देखा। अब इसके बाद जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, अनुपात विश्लेषण क्यों किया जाता है, इसके प्रमुख एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, तो अनुपात विश्लेषण जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से लेखांकन मदों को समझने में हमें सुविधा होती है। इससे जो है व्यवसाय की लाभदायक क्षमता का पता चलता है, उसकी शोधन क्षमता का पता चलता है, वह वित्तीय स्थिति का यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। अर्थात व्यवसाय की लाभ कमाने की कैपेसिटी क्षमता किस प्रकार की है, साथ ही व्यवसाय के अल्पकालिक और दीर्घकालीन ऋणों को चुकाने की कैपेसिटी किस प्रकार की है शोधन क्षमता के अंतर्गत देखते हैं, साथ ही वित्तीय स्थिति संपत्ति और दायित्वों की स्थिति व्यवसाय में किस प्रकार की है ये पता करना जो है अनुपात विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें जो है प्रमुख रूप से जैसे नंबर एक लाभदायकता की जांच, इसके द्वारा जो है हम विभिन्न लाभदायकता अनुपात की गणना कर लाभदायकता का पता लगाया जा सकता है। जैसे व्यवसाय में सकल लाभ की मात्रा क्या है, उसका अनुपात क्या है, संचालन लाभ अनुपात क्या है, फिर शुद्ध लाभ अनुपात क्या है, इसकी जांच जो है हम अनुपात विश्लेषण के माध्यम से लाभदायकता की जांच करके कर सकते हैं। दूसरा बिंदु जो है शोधन क्षमता की जांच, अर्थात व्यवसाय के जो अल्पकालिक दीर्घकालिक ऋण जो हैं उनके भुगतान की क्षमता व्यवसाय की किस प्रकार की है, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी के पास अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त साधन है अथवा नहीं। इससे शोधन क्षमता से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण हैं उनकी भुगतान करने की क्षमता कंपनी की या व्यवसाय की किस प्रकार की है। इसमें दायित्व एवं संपत्ति में संबंध स्थापित करके शोधन क्षमता का जो है पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख जो दो उद्देश्य, लाभदायकता की जाँच और शोधन क्षमता की जाँच। इसके बाद जो है तीसरा संचालन क्षमता की जांच, इसके द्वारा जो है कंपनी की संचालन लागत क्या है और संचालन क्रिया से क्या लाभ हो रहा है का पता लगाया जाता है। यदि संचालन अनुपात अधिक है तो इसका मतलब जो है कि कंपनी की संचालन क्रियाएं जो बेहतर नहीं है, यदि संचालन लागत कम है इसका मतलब जो है कि कंपनी की संचालन व्यवस्था बेहतर है, और यदि संचालन लागत अधिक है तो इसका मतलब यहाँ पर
कि कहीं ना कहीं कंपनी की संचालन क्रिया जो बेहतर नहीं है, तो संचालन क्षमता की जांच इससे कर सकते हैं। फिर वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है हमें लेखांकन अनुपात से, कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है जिससे वो स्वयं वित्तीय निर्णय ले सकता है एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाएं इस आधार पर उसको ऋण भी दे सकता है। तो यहाँ पर वित्तीय स्थिति की जो जानकारी है, अनुपात विश्लेषण के माध्यम से जो है वित्तीय स्थिति की जानकारी कंपनी की प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो है प्रबंधक स्वयं अपने लिए जो है यहाँ पर वित्तीय डिसीजन ले सकते हैं, और जो विभिन्न अदर वित्तीय संस्थाएं हैं बैंक वगैरह या विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, वे उस व्यवसाय की उस कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर अल्पकालिक दीर्घकालिक ऋण जो है वो प्रदान कर सकते हैं। फिर तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा, अनुपात के आधार पर क्षमता की माप की जाती है। इसमें संस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों का आपस में, एक फर्म का दूसरे फर्म से व एक वर्ष के दूसरे वर्षों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो अनुपात के आधार पर यहाँ हम व्यवसाय की क्षमता की जांच कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच आपस में, वहीं एक फर्म से दूसरी फर्म के बीच में, या फिर उसी फर्म के विभिन्न वर्षों के बीच में, यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अंतिम जो है निर्णय में नियंत्रण में सहायक, अनुपात विश्लेषण के द्वारा जो है व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है व व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के परिणाम ज्ञात कर उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है हम अनुपात विश्लेषण के बारे में इन बिंदुओं के आधार पर हमने जाना। इसके बाद जो है इसके लाभ या महत्व कौन कौन से हैं, एक व्यवसाय में अनुपात विश्लेषण उचित ढंग से किया जाए तो उपयोगकर्ता की कार्य कुशलता की समझ क्या है बेहतर बनती है, जिसके साथ व्यवसाय को सही ढंग से संचालित किया जा सकता है। इसके जो लाभ हैं वो निम्न है। नंबर एक है, अनुपात विश्लेषण जो है वित्तीय विनियोग एवं संचालन निर्णयों को स्वीकृति या अस्वीकृत करने में सहायक होते हैं। ये वित्तीय विवरणों का क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसमें सहायक होते हैं एवं उनके निर्णयों की वैधता को जांच को ये संभव करते हैं। तो यहाँ पर जो है अनुपात विश्लेषण के पहले लाभ या महत्व के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि वित्तीय विनियोग और संचालन निर्णयों की जो स्वीकृति है वो वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यहाँ पर सहायक होते हैं। फिर दूसरा जो है अनुपात विश्लेषण जटिल वित्तीय विवरणों व उसमें प्रस्तुत वित्तीय समंकों के वित्तीय अनुपात के माध्यम से उनके संचालन, वित्तीय एवं दीर्घकालीन शोधन की कार्यक्षमता व दक्षता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है अनुपात विश्लेषण के माध्यम से जो हमें वित्तीय समंक प्राप्त होते हैं उसमें कंपनी की जो संचालन क्षमता है, कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है, साथ ही कंपनी की जो दीर्घकालीन शोधन कैपेसिटी या शोधन क्षमता है उसके बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में जो है हम अनुपात विश्लेषण के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर अगला बिंदु जो है जिन क्षेत्रों में समस्याएं हैं उनके निदान हेतु प्रबंधकों का ध्यान क्या करती है, ये आकर्षित करती है। फिर इसके द्वारा जो है अंतर फर्म अर्थात फर्मों के बीच में, दो फर्मों के बीच में जो अंतर, फिर अंतर उद्योग अर्थात दो उद्योगों के बीच में जो अंतर है उसकी तुलना हम यहाँ पर करना संभव होता है। इससे जो है वित्तीय स्थिति व आर्थिक परिस्थितियों को समझना जो है सरल हो जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर जो है हम अनुपात विश्लेषण के लाभ या महत्व के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद जहाँ अनुपात विश्लेषण से कुछ बेहतर स्थितियाँ, वहीं पर उसकी कुछ सीमाएँ या उसके कुछ दोष भी हैं। तो अनुपातों को वित्तीय विवरणों से प्राप्त किया जाता है, जो भी अनुपात हमें प्राप्त होते हैं वो वित्तीय समंकों से, वित्तीय विवरणों से प्राप्त होते हैं। अतः मूल वित्तीय विवरणों में जैसी कमियां होंगी अनुपात विश्लेषण से प्राप्त विश्लेषण में भी वो वहीं स्पष्ट होंगी। तो अनुपात विश्लेषण की जो प्रमुख सीमाएँ हैं वे निम्न है। नंबर एक, लेखांकन आंकड़ों की सीमाएँ। लेखांकन अनुपात की जो गुणवत्ता है वित्तीय
समंकों की वैधता व शुद्धता पर निर्भर करती है। लेखांकन अनुपात की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो हमें वित्तीय समंक प्राप्त हुए हैं, वो वित्तीय समंक कितने वैध हैं, कितने सही हैं, कितने शुद्ध हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर वित्तीय समंक जो हैं शुद्ध व पूर्ण नहीं होंगे तो अनुपात की गणना उसके आधार पर निकाले गए परिणाम भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पर लेखांकन आंकड़ों की जो सीमा है इसके अंदर का बहुत अति आवश्यक है कि जो वित्तीय समंक है वो कैसे हों, शुद्ध एवं पूर्ण हों। फिर दूसरा बिंदु जो है मूल्य स्तरों में बदलाव की उपेक्षा। सामान्य तौर पर हम इस स्फीतिकारी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ मुद्रा की शक्ति जो है वो क्या है, लगातार गिर रही है। मुद्रा की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मूल्य के स्तर में एक बदलाव जो है वो विभिन्न वर्षों के लेखांकन के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों को क्या कर देते हैं, अर्थहीन बना देते हैं। मुद्रा की शक्ति जो है, परचेजिंग कैपेसिटी, वो कम होने के कारण जो है विभिन्न वर्षों के लेखांकन के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को क्या बना देती है, अर्थहीन बना देती है। क्योंकि लेखांकन रिकॉर्ड जो है वो मुद्रा के मूल्य में आए हुए परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। तो अनुपात विश्लेषण की जो सीमाएं या दोष हैं, उसके बाद है तीसरा गुणात्मक या गैर मौद्रिक पहलू की अपेक्षा। यहाँ पर लेखांकन एक व्यवसाय के परिणात्मक अथवा मौद्रिक पहलू के बारे में तो जानकारी प्रदान करता है, अर्थात जो भी वित्तीय समंक हैं वो आंकड़ों के रूप में तो हमारे सामने होते हैं। चूँकि अनुपात जो है केवल मौद्रिक पहलू को प्रकट करता है और पूरी तरह गैर मौद्रिक गुणात्मक पहलू की क्या करता है, उपेक्षा करता है। तो जो भी आंकड़े और समंक हमारे पास हैं वो मौद्रिक रूप में तो हमारे सामने स्पष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी की स्थिति है वो गुणात्मक पहलू के अंतर्गत उसकी यहाँ पर उपेक्षा होती है। फिर लेखांकन व्यवहार में विभिन्नता, स्टॉक के मूल्यांकन, मूल्यह्रास के परिकलन, अमूर्त परिसंपत्तियों के निरूपण आदि क्या होती है, इसमें विभिन्नता होती है जिससे वित्तीय विवरणों की वैध तुलना करना संभव नहीं होता। फिर पूर्वानुमान, ये जो है केवल ऐतिहासिक विश्लेषणों पर भविष्य की प्रवृत्ति के बारे में पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। उचित पूर्वानुमान के लिए गैर वित्तीय घटकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये पूर्वानुमान का बिंदु। फिर ये छोटी फर्मों के लिए उपयुक्त नहीं है। अनुपात विश्लेषण जो है ये बड़ी बड़ी फर्मों की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए, अनुपात जानने के लिए ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए विशेष अनुभव व ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनका कि पारिश्रमिक बहुत अधिक होता है और छोटी फर्में जो हैं इतना खर्च बियर नहीं कर पाते। तो जो है अनुपात विश्लेषण की ये प्रमुख सीमाएँ हैं या दोष हैं। इसके बाद हम देखेंगे लेखांकन अनुपात के प्रकार कौन कौन से हैं या लेखांकन अनुपात को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको जो चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, नंबर एक लाभदायकता अनुपात में, दूसरा क्रियाशीलता अनुपात में, तीसरा तरलता के अनुपात में और चौथा शोधन क्षमता के अनुपात में। इन चारों प्रकारों को, बिंदुओं को हम अगली कक्षाओं में विस्तार के साथ पढ़ेंगे और इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हम करेंगे यहाँ पर। तो अभी संक्षेप में जो लाभदायकता अनुपात है ये क्या बताता है, व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता व लाभदायकता स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है। इसमें जैसे सकल लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना मुख्य रूप से की जाती है लाभदायकता अनुपात में। दूसरा जो है क्रियाशीलता अनुपात, विभिन्न संसाधनों का किस कुशलता व लाभदायकता से प्रयोग किया गया है इसकी जांच करने हेतु अनुपात की गणना की जाती है। इसमें जैसे सकल लाभ अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात की गणना इसके अंतर्गत क्रियाशीलता के अनुपात के अंतर्गत की जाती है। फिर तीसरा तरलता अनुपात, कंपनी के जो दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो किस प्रकार की, इसको जांचने के लिए हम तरलता अनुपात के आधार पर जांच करेंगे। तो अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की
माप हेतु तरलता अनुपात की गणना की जाती है। इसमें जैसे चालू अनुपात और तरल अनुपात, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत गणना की जाती है, जिसको हम आगे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। फिर है अंतिम शोधन क्षमता अनुपात, ये दीर्घकालीन जो है बाहरी दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप हेतु अनुपात की गणना यहाँ पर की जाती है। जो बाह्य दायित्व हैं, दीर्घकालीन जो लंबे समय के दायित्व हैं, इनके भुगतान करने की कैपेसिटी व्यवसाय की किस प्रकार की है, वो शोधन क्षमता अनुपात के आधार पर की जाती है। इसमें जो है शोधन क्षमता अनुपात और ऋण क्षमता अनुपात आदि के बारे में यहाँ अध्ययन किया जाता। तो ये चार प्रकार से लेखांकन अनुपात के जो प्रकार हैं, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात, ये लेखांकन अनुपात के क्या है प्रकार। अभ्यास प्रश्न है, लेखांकन अनुपात से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा, अनुपात विश्लेषण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको बताइए। फिर अनुपात विश्लेषण के प्रमुख लाभों को समझाइए। और चौथा, अनुपात विश्लेषण के प्रमुख दोष या सीमाओं को समझाइए। फिर लेखांकन अनुपातों के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बताइए।